हेलो दोस्तों, मैं आर्यन यादव, संदीप यादव का बड़ा भाई। कल मेरे भाई का समथिंग 9:30 से 10 के बीच एक्सीडेंट हो गया है, जिसका नाम है संदीप यादव। आईपीएस कॉलेज में उसका एग्ज़ाम था, प्रैक्टिकल था, तो वो सुबह घर से 8 बजे निकला था पेपर देने, तो रघुनाथगंज बाईपास में उसका एक्सीडेंट हो गया। ये वहाँ सुनने को मिला, जब मैं वहाँ, मेरे को जानकारी मिली कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं वहाँ जानकारी लेने के लिए खड़ा हुआ, तो बताया गया कि बस वाले ने पीछे से ला के धक्का मारा, मेरा भाई जाके डिवाइडर में गिरा, उसके वजह से सर में काफ़ी चोट आई है, खुला तो कहीं नहीं है, सीने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। और दूसरी चीज़, यहाँ मैं संजय गांधी में उसको एम्बुलेंस के द्वारा, उसको मेरे आने से पहले उसको यहाँ पहुँचाया गया, ये प्राइवेट एम्बुलेंस जो रोड वाली होती हैं, जिनका ठेका होता है रोड का, दिलीप बिल्डिंग कॉम का शायद, उनका एम्बुलेंस था। और दूसरी चीज़, संजय गांधी में जब से लाया हूँ तब से ना तो यहाँ कोई सही ट्रीटमेंट हो रहा है और ना कोई डॉक्टर सुनने के लिए तैयार हैं, और इसकी हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है, और यहाँ कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है। चाहे यहाँ, हालांकि फ़िलहाल कोई डॉक्टर हैं ही नहीं, एक नर्स हैं जो कि आराम कर रही हैं, उनको मैं 5-6 बार बुला चुका हूँ, वो अभी सो रही हैं अपने काउंटर में, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। और यहाँ कोई सुनने के लिए ना तो कोई डॉक्टर ना कोई नर्स, कोई तैयार नहीं। मैं आपको ले चल रहा हूँ नर्स के पास जो सो रही हैं, और यहाँ ये मरीज तड़प रहा है, कोई कोई फर्क ही नहीं किसी को। मैं ले चल रहा हूँ नर्स को, दिखा रहा हूँ, ये यहाँ नर्स सो रही हैं, यहाँ इतने पेशेंट हैं, यहाँ कोई सुनने के लिए तैयार है नहीं। जी, ये नर्स हैं जो सो रही हैं, मैं 3-4 बार इनको बुला चुका हूँ कि इमरजेंसी है, मेरा भाई तड़प रहा है, किसी डॉक्टर को बुलाइए। कुछ बोलेंगे डॉक्टर साहब को फ़ोन किया।